सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं आप नस्का टावर की इमारत, जो कि शहर फैसल और शहर कायदीन के संगम में वाक़ है। और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर के मुताबिक इस आलिशान इमारत को मुनज़्ज़म करने का आगाज़ हो चुका है। बजरिया लेबर भी वर्किंग की जा रही है और बजरिया मशीनरी भी इसे मुनज़्ज़म करने के लिए काम का आगाज़ हो चुका है। ये देख सकते हैं दोस्तों, बजरिया मशीनरी जो शहर फैसल के सामने वाला बिल्डिंग का हिस्सा है जिसमें जहाँ पर दुकानें बनी हुई थी, तो उसे मुनज़्ज़म करने के लिए बजरिया मशीनरी कार्रवाई की जा रही है और छत के ऊपर लेबर को भेजा गया है, जहाँ से सभी हिस्से से बजरिया लेबर वर्किंग का आगाज हो चुका है। और ये शहर फैसल और शहर कायदीन के जीवन में वाकई ये बिल्डिंग मुझे कहा जाता है कि सभी रोड पर इसका काफ़ी हिस्सा सभी रोड में बनाया गया था, बल्कि सभी रोड को मुकम्मल तौर पर इस बिल्डिंग के अंदर हदफ कर दिया गया था। बिलाखिर इस बिल्डिंग को क्योंकि तो किसी किसी की कोई कंप्रोमाइज़ की जरूरत नहीं थी, यहाँ से सभी रोड को गुजरना ही था। लिहाजा अगर ये सभी रोड के ऊपर नहीं होता तो मे भी कि कोई इसलिए किसी किस्म का कोई ऑल्टरनेट सोचा जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल्डर ने लालच के तहत सभी रोड के ऊपर इस बिल्डिंग को तामीर किया था। और कहा जाता है कि आज व्यक्तिगत तौर पर लालच बुरी बनाए और उसके असरा आप सामने एक बार स्क्रीन पर दे सकते हैं कि वाकई में लालच बुरी पर है, वरना अच्छी बात इसकी अपनी ज़मीन थी मेन शहर पैसल पर कॉर्नर की ज़मीन। अगर ये बिल्डिंग थोड़ी छोटी भी होती तो बहरहाल पायदार होती और सदा बाहर होती, लेकिन लालच की वजह से इस शानदार इमारत को आप बिलाखिर मुनज़्ज़म करना पड़ रहा है। और ये इनका एक अफसोसनाक मनाजिर जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, बिलाखिर इसका जो असल नुकसान हो रहा है वो यहाँ के जो जिन्होंने यहाँ पे इमारत बुकिंग कराई थी, जिन्होंने यहाँ पे फ्लैट को ख़रीदा था, दुकानों को ख़रीदा था, बिलाखिर ज़्यादातर वो नुकसान एक आम आदमी एक कॉमन पाकिस्तानी को फेस करना पड़ रहा है। और इसका असल जो वजूहत है वो है कि बिल्डर ने जो लालच किया था, लालच के तहत सब्जी रोड को इस बिल्डिंग के अंदर शामिल कर लिया था, और जिसका नतीजा और ये अंदरूनी मनाजिर देख सकते हैं आप, शॉप के गैलरी के मनाजिर हैं जब ही जो मशीनरी के ज़रिए यहाँ पे कार्रवाई की गई है। और ये दुकानों के शेड वगैरह पड़े हुए हैं, चादरें शटर वगैरह, ये मलबा देख सकते हैं आप। तो दोस्तों जैसा टावर जिसे मुनज़्ज़म करने के लिए कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और इसके बाद इम्कान है कि शहर भर में हज़ारों की तादाद में जो तजावजात मौजूद हैं, जो दर्जनों की तादाद में सोसाइटीज़ जिन्होंने इंक्रोचमेंट के तहत वहाँ पे अपार्टमेंट्स और सोसाइटीज़ वगैरह बना ली हैं, तो बहुत जल्द वह तो नोटिस दिए जा चुके हैं और बहुत जल्द शहर के मुख्तलिफ मकाम पर इस तरह के ऑपरेशन का इम्कान है। लिहाजा ये एक तनाव सूरत हाल है जहाँ पर लोगों ने अपने पैसे लगाए हुए, आवाम का पैसा लगा हुआ है। इस तरीके के दर्जनों सोसाइटीज़ के ऊपर दर्जनों जो बिल्डर माफिया के हाथों हज़ारों लाखों की तादाद में शहरियों का पैसा इन्वॉल्व है। और बिलाखिर इस वक्त खतरे की घंटी तलवार तमाम के तमाम इंक्रोचमेंट के ऊपर मौजूद है कि कभी भी किसी वक्त भी कहीं पर भी इस तरीके के ऑपरेशन का आगाज हो। और यकीनी तौर पर इन तमाम ये जो ऑपरेशन है इसके जो नतज वाखिर बिलाखिर कराची को पाकिस्तान के आम शहरियों को आम कॉमन पाकिस्तानियों को फेस करना पड़ता है। ये देख सकते हैं दुकान के मुनज़्ज़म किए हुए ये जो शटर वगैरह चादरें हैं, ये गैलरी के मनाजिर हैं, मेन शहर फैसल के सामने वाला ये हिस्सा है। और अभी यहाँ पे जो ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन के बाद ये दुकानों के मलबे और ये बाकियात वगैरह यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह चल जाने वाला है, इंशाल्लाह।